आदर्श शिक्षण संस्था के तत्वावधान में नोमान कंप्यूटर एवं एजुकेशन बड़गी चौराहा पर सीईटी पात्रता परीक्षा की पूर्व परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। यह परीक्षा विद्यार्थियों को वास्तविक परीक्षा का अनुभव दिलाने और उनकी तैयारी का आकलन करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। आयोजक समद शेख ने बताया कि सीईटी पात्रता परीक्षा की पूर्व परीक्षा में लगभग 100 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया, जो उनकी उत्सुकता और तैयारी को दर्शाता है। इस परीक्षा का परिणाम मंगलवार को दोपहर 2 बजे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से घोषित किया जाएगा, ताकि सभी विद्यार्थियों को आसानी से जानकारी मिल सके। उन्होंने बताया कि परीक्षा वास्तविक परीक्षा की तरह ही कड़ी निगरानी में कराई गई। परीक्षा हॉल में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ले जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। परीक्षा सुबह 10 बजे प्रारंभ हुई और दोपहर 1 बजे तक जारी रही, जिससे विद्यार्थियों को समय प्रबंधन का अभ्यास भी सुनिश्चित किया गया। इस अवसर पर ब्लॉक रिसोर्स अधिकारी विनोद यादव ने परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया और व्यवस्था की प्रशंसा की तथा परीक्षा समाप्त होने के बाद विद्यार्थियों को सही दिशा में तैयारी के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया। इस आयोजन को सफल बनाने में कई व्यक्तियों ने प्रबंधन और व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें समद शेख, मुकेश यादव, प्रियेश पंचाल, योगेंद्र सिंह राठौड़, नीरज यादव, जयेश प्रजापत, हेमेंद्र यादव, नयन बुनकर, रोहिणी पंचाल, कामना राठौड़ और पंची प्रजापत का विशेष सहयोग रहा। यह पूर्व परीक्षा विद्यार्थियों के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगी, क्योंकि इससे उन्हें वास्तविक परीक्षा के माहौल का अनुभव मिलेगा। साथ ही यह परीक्षा उनकी तैयारी की कमजोरियों और ताकतों का विश्लेषण करने में मदद करेगी, ताकि वे मुख्य परीक्षा से पहले सुधार कर सकें।